अगर आपने नोट्स बना लिए, छोटा सा नोट्स भी बना लिया, वो ज्यादा उस बेटर उससे जो आपको याददाश्त में रहता है, क्योंकि माइंड से हमारे जो चीजें होती है वो स्किप हो जाती है, लेकिन जो लिखी हुई चीज है, जैसे ही आप उसको देखेंगे आप उस मोमेंट में चले जाएंगे दोस्तों। अगर आपके पास नोट पेन है तो इसको नोट जरूर करिएगा, क्योंकि ये आपको हेल्प करने वाली है दोस्तों। तो मैं आपको फिर से वेलकम करता हूं फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट के अंदर, और आज हमारा जो टॉपिक है वो है एफबीओ ट्रेनिंग, कि आपको इस बिजनेस के अंदर क्या करना है। जब हम फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट की शुरुआत करते हैं, जब मैंने 2013 के अंदर शुरुआत करी थी तो मैं यहां था, और फिर ट्रेनिंग के प्रोसेस से गुजर के आप यहां तक पहुंच जाएंगे दोस्तों। आपको बड़े ध्यान से समझना है कि आपको इस ट्रेनिंग के अंदर क्या मिल सकता है, ये आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि अगर आपने पूरे ध्यान से समझ लिया तो इस प्रेजेंटेशन के अंदर कौन सी लाइन आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। क्योंकि मैंने सबसे पहले जो ट्रेनिंग सुनी थी वो यही ट्रेनिंग थी, जबकि ये एडवांस ट्रेनिंग होती है, लेकिन मेरी लाइफ की फर्स्ट ट्रेनिंग यही थी, और इसी ट्रेनिंग के अंदर एक ऐसी लाइन है जो मैं बताऊंगा, उस लाइन की वजह से मेरी लाइफ चेंज हुई थी। हो सकता है वो लाइन आपको भी काम आए दोस्तों। आज हमारी इस ट्रेनिंग करने का पर्पस क्या है? हमारा पर्पस है दोस्तों अंडरस्टैंड करने का। क्या अंडरस्टैंड करने का? बेसिक। और आप इस इंडस्ट्री के साथ क्यों इन्वॉल्व हुए? ऑल अबाउट एफएलपी के बारे में। और आप यहां पे क्यों अपना टाइम, क्यों अपना समय इन्वेस्ट करना चाहते हो? और आपको एक रोड मैप मिलेगा दोस्तों इस प्रेजेंटेशन फाइल्स के अंदर। बेसिक क्या है फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट में आप क्यों जुड़े? सबसे पहले बेसिक की अगर मैं बात करूं तो ये दोस्तों फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट बेस्ट कंपनी है, ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री है दोस्तों, और ये दो चीजों का समावेश है, हेल्थ एंड वेल्थ का एक बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है दोस्तों। क्योंकि अगर किसी की व्यक्ति के पास हेल्थ है और वेल्थ नहीं है तो वो किसी भी काम की नहीं है, और अगर किसी व्यक्ति के पास वेल्थ है और पैसा, वेल्थ है और उसके पास अगर अच्छी हेल्थ नहीं है तो भी वो किसी काम की नहीं। यानी कि हर इंसान को ये दोनों चीजें एक साथ में चाहिए। अगर मैं बात करूं तो ये कंपनी आपको अपनी फैमिली की लाइफ चेंज कैसे कर सकते हैं, आप अपनी लाइफ कैसे चेंज कर सकते हैं, ये भी यहां से आपको मौका मिलता है। यहां पे किसी भी प्रकार की फाइनेंशियल रिस्क नहीं है, यहां पे आपको कोई फाइनेंशियल रिस्क नहीं है। फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं। फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट दोस्तों एक बिजनेस, पैसा कमाने के, नॉट ओनली पैसा कमाने का बिजनेस, ये आपकी लाइफस्टाइल बिल्डिंग करने का बिजनेस है और लोगों की मदद करने का बिजनेस है। यहां पे आप एक बहुत अच्छी पेंशन प्लान कर सकते हैं, और बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, बेस्ट टाइमिंग है और बेस्ट पॉसिबिलिटीज है दोस्तों। ये जो समय है वो बड़ा बेस्ट है, क्योंकि आपने कोविड के अंदर देखा था बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेस कहां पहुंच गए हैं, उनकी बिजनेस के अंदर कितनी सारी अनसर्टेनिटी आ चुकी है दोस्तों। ये एक सर्टेन लाइफ के लिए भी बहुत बड़ा बिजनेस है दोस्तों। यहां पे आपको हेल्थ मिलती है, वेल्थ मिलती है और खुशियां मिलती है दोस्तों। यहां पे नॉट ओनली यू, यहां पे आप अपने सराउंडिंग के अंदर जितने भी लोग हैं उनकी भी लाइफ चेंज कर सकते हैं दोस्तों। यहां पे आपको रिवार्ड किया जाता है आपके एफर्ट्स के माध्यम से, जहां जितने आपके एफर्ट्स है उतने आपको रिवार्ड्स मिलते हैं दोस्तों। आप फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट में क्यों आए? फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट जैसी दोस्तों दूसरी अपॉर्चुनिटी नहीं है। देर इज नो अदर कंपेरेबल अपॉर्चुनिटी विच इज कंप्लीटली रिस्क फ्री। यहां पे 24 घंटे सातों दिन लगाने की जरूरत नहीं, यहां पे लाखों करोड़ों रुपए लगाने की जरूरत नहीं है। यहां पे आप जैसे जैसे हेल्दी बनते जाएंगे वैसे वैसे वेल्दी बनते जाएंगे दोस्तों। कैसे करें दोस्तों? यही वो लाइन है जिसकी वजह से मैं फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट में आया था। यहां फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट को आप कैसे करें, तो ये एक सिंपल सा जवाब है, लर्न व्हाइल यू अर्न। यहां पे आप सीखते सीखते फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट में ग्रो कर सकते, अर्निंग कर सकते। यहां पे आप अपने समय को इन्वेस्टमेंट करिए। हम आपको फ्री की ट्रेनिंग्स देंगे इस बिजनेस में आपको आगे कैसे बढ़ना है। यहां पे आपको लकीर का फकीर बनने की जरूरत नहीं, यहां पे आप अपने अपने नए नए तरीके से लर्निंग कर सकते हैं दोस्तों, अलग अलग तरीके से लर्निंग कर सकते हैं।
यहां पे आप लोगों की अगर मदद करेंगे वैसे वैसे आप अपनी सक्सेस को अचीव करते जाएंगे दोस्तों। यहां पे अगर आपने ड्रीम बड़े कर लिए, क्योंकि दोस्तों फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट एक नो लिमिट्स का गेम है, यहां पे आप अपने ड्रीम्स को बड़ा कर सकते हैं, बड़ा करके आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में एक अच्छी सक्सेस को ग्रेप कर सकते हैं दोस्तों। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में आपको 8 तरीके से, वैसे तो 10-11 इनकम फॉरएवर में मिलती है, मैंने आपको 8 तरीके फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में 8 प्रकार की इनकम आपको मिलती है, जिसमें सबसे पहली रिटेल प्रॉफिट, दूसरा पर्सनल बोनस, कार प्लान, टीम बोनस, लीडरशिप बोनस, जेम बोनस, इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक ट्रेवल्स, चेयरमैन बोनस एंड मच मोर। ये तो कुछ ऐसी मेजर्स इनकम दिखाई है मैंने, इसके अलावा भी बहुत सारी आपको इनकम से मिलती है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के प्लेटफॉर्म पे। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट की जो फिलोसफी है वो क्या है, यहां पे आपको कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं, यहां पे आपको कोई स्टाफ रखने की जरूरत नहीं है, आपको कोई रिसर्चर R&D खोलने की जरूरत नहीं है, आपको किसी भी प्रकार की कोई ऑफिस खोलने की जरूरत नहीं है, आपको 24 घंटे 7 दिन लगाने की जरूरत नहीं है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, यहां पे आपकी एफर्ट्स के हिसाब से आपको प्रॉफिट होता है दोस्तों, यहां पे किसी भी प्रकार का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। और क्या है इसमें दोस्तों, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का जो प्लान है वो मोस्ट बिजनेस फ्रेंडली प्लान है, यहां पे किसी भी प्रकार का आपको फाइनेंशियल रिस्क नहीं, यहां पे अपना मिनिमम ऑर्डर करके भी आप इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं, यहां पे कोई रनिंग कॉस्ट नहीं है, जैसा मैंने आपको बताया यहां पे कोई ऑफिस लगाने की जरूरत है, कोई इक्विपमेंट लगाने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट खुद हैंडल कर रहे दोस्तों। यहां पे अगर मैं बात करूं मेजर फिलोसफी की, जो भी व्यक्ति फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में आता है तो वो एक प्रेफर्ड कस्टमर के रूप में आते हैं, नॉट एन ऑर्डिनरी कस्टमर, यहां पे एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कस्टमर बन जाता है, जैसे आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में एंट्री करते हैं आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कस्टमर बन जाते हैं दोस्तों। अब थोड़ा सा मार्केटिंग प्लान की झलक देख लेते हैं, बाकी तो आपको मार्केटिंग प्लान की एक स्पेशल ट्रेनिंग लेनी होती है, लेकिन आपको थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं आप प्रेफर्ड कस्टमर बन जाते हैं, और जैसे ही किसी भी जुड़े हुए 2 महीने के अंदर आप अपना 2 CC कंप्लीट कर लेते हैं तो आप असिस्टेंट सुपरवाइजर यानी कि बिजनेस पार्टनर बन जाते हैं, और जब आपकी दोस्तों टीम बन जाती है तो आप सुपरवाइजर बन जाते हैं, यानी कि 25 CC किसी भी 2 महीने के अंदर जब आपका हो जाता है आप सुपरवाइजर बन जाते हैं, और जब आपकी टीम और मेहनत करने लग जाती है तो आप असिस्टेंट मैनेजर यानी कि 75 CC जब बिजनेस हो जाता है तो आप असिस्टेंट मैनेजर बन जाते हैं, और एक ड्रीम लेवल होता है दोस्तों 120 CC के ऊपर, जिसमें हम ड्रीम लेवल बोलते हैं, जहां से फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में एक्चुअल में शुरुआत होती है दोस्तों, उस लेवल का नाम होता है मैनेजर। यहां पे आपको जितनी भी पोजीशन है वो आपको परमानेंट मिलती है दोस्तों, यहां पे किसी भी पोजीशन पे ऐसा नहीं होता कि आपने अगर 2-3 महीने काम नहीं किया या 1 साल काम नहीं किया तो आप वापिस नीचे आ जाओ, ऐसा नहीं है, ये परमानेंट लेवल है, यहां पे किसी भी रिस्टार्ट करने का कोई कॉस्ट नहीं है दोस्तों। आप जैसे ही परफेक्ट कस्टमर बनते हो आपको 15% डिस्काउंट मिलता है, और जैसे आप असिस्टेंट सुपरवाइजर यानी कि 2 CC से प्लस कर देते हो तो आपको 30% वही काउंटरलेस मिलना शुरू हो जाते हैं, और उसके बाद आपको डिफरेंस मिलता है पर्सनल बोनस का, क्योंकि असिस्टेंट सुपरवाइजर पे आपको 5%, सुपरवाइजर पे 8%, असिस्टेंट मैनेजर पे आपको 13% और मैनेजर पे 18%। इसके अलावा आपको टीम से भी बोनस मिलते हैं, जैसे आप मैनेजर हो तो आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर एंड उसकी टीम से 13% मिलेगा, सुपरवाइजर एंड उनकी टीम से आपको 10% मिलेगा, असिस्टेंट मैनेजर की टोटल टीम से आपको 5% मिलेगा। इसके अंदर आपको कार प्लान भी मिलता है दोस्तों, 3 प्रकार के कार प्लान होते हैं, यहां पे लेवल 1 के बारे में बात करते हैं, जिसमें 50, 100 और 150 CC जब आप कर देते हैं तो आपको कार प्लान के लिए अलग से 26,000 रुपए मिलते हैं। लेवल 2 के अंदर आपको 39,000 मिलते हैं, लेवल 3 के अंदर 52,000 मिलते हैं, इतने में कार आ जाएगी दोस्तों। अगर इतने में कार आ सकती है तो हैंडरेज करिए, अगर इतने पैसे में कार आ सकती है तो हैंडरेज करें, इतने में कार नहीं आएगी दोस्तों, लेकिन यही पैसा आपको लगातार 36 महीने तक मिलेगा दोस्तों। लेवल 1 के अंदर 9 लाख,
लेवल टू के अंदर 14 लाख, लेवल थ्री के अंदर 18 लाख। अब कार आ जाएगी दोस्तों, अगर आ जाएगी हैंड रेज करें जी, अब आ जाएगी। यहां पे आपको कंपनी तीन टूर देती है, दो इंटरनेशनल एक डोमेस्टिक, यानी कि हर एक एक हर तीसरे महीने आपको एक टूर मिलता है कंपनी की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट। मैनेजर रिट्रीट, ईगल मैनेजर रिट्रीट और ग्लोबल रैली, ये तीन टूर मिलते हैं हर तीसरे महीने के बाद आप घूमने जा सकते हैं। काम क्या करना है, यूज एंड रिकमेंडेशन का काम है दोस्तों फॉर अवेलेबल प्रोडक्ट। और अगर दोस्तों ये पांच रूल अगर आपने फॉलो कर लिया, अगर ये पांच रूल आपने फॉलो कर लिया तो दोस्तों ये एक रेसिपी है सक्सेस की, रेसिपी है सक्सेस की। जैसे किसी भी चीज की एक रेसिपी होती है, अगर कोई खाना भी बनाता है तो उसकी भी एक रेसिपी होती है कि इस तरीके से आप खाना बना सकते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों मेजर, अगर ये पांच रूल आपने ध्यान में रख लिया तो आज की ट्रेनिंग आपकी सफल हो जाएगी। ये पांच रूल है आपको सक्सेस होने के लिए। नंबर वन रूल, ये एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है दोस्तों। नंबर वन रूल, आपको अंडरस्टैंडिंग करनी है किस किस चीज की, प्रोडक्ट को यूज करना है, कंपनी पॉलिसी को पढ़ना है, क्योंकि हम जब फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में पहले बीओपीपी या कोई दूसरा सेशन अटेंड करते हैं हम मोटिवेट हो जाते हैं, हम सोचते हैं बस ये कर देंगे। लेकिन दोस्तों आपको अंडरस्टैंडिंग जरूरी है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में। कई लोग तो सुनते हैं लेकिन कई लोग समझते हैं, एक्चुअल में सक्सेस उसी को मिलती है जो समझते हैं। आप प्रोडक्ट को यूज करिए, कंपनी पॉलिसी पढ़िए, दुनिया की पहली ऐसी कंपनी है डे वन से आपको पॉलिसी प्रोवाइड कर रही है। यहां पे आपको ट्रेनिंग्स के साथ कनेक्टेड रहना है, यहां पे आपको बुक्स रीड करनी है, जैसे गुड हेल्थ हो गया, योर अप्लायंस हो गया, जितनी भी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट की जो बुक्स हैं उनको आप मोस्टली रीड करना है। और उसके बाद आपके पास तरीके हैं दोस्तों यूट्यूब वेब के माध्यम से आप ट्रेनिंग ले सकते हैं, आपको यूट्यूब के माध्यम से बहुत सारी ट्रेनिंग्स मिल जाती है दोस्तों। उसके बाद आप थोड़ा और जान सकते हैं, आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट की साइट पे जाके कुछ लिटरेचर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको जो सीखने की जो कंडीशन है ना दोस्तों, वो एक स्पंज की तरह सीखना है आपको। स्पंज मीन्स, एक स्पंज होता है उसका काम होता है पानी को सोखना, पानी को सोखना। अब पर्टिकुलर उसमें जितना आएगा ना उतना ही आएगा, लेकिन अगर उसको आपने दूसरी जगह छोड़ के वापिस फिर से आपने उसके ऊपर रखा तो उसको फिर आप सक कर सकते हैं। इसीलिए क्या कर रहे हैं, आपको ट्रेनिंग लेके ट्रेनिंग देने की प्रैक्टिस करनी है। ओनली ये नहीं है कि आपको ट्रेनिंग लेते रहना है, क्योंकि फिर पर्टिकुलर एक टाइम के बाद वो आपके माइंड के अंदर उतनी बात ही रहेगी। लेकिन जब आपने उसी ट्रेनिंग को देना शुरू कर दिया तो आपका सीखने की जो एटीट्यूड है वो चेंज हो जाएगा दोस्तों। नंबर टू जो रूल है दोस्तों वो है आपको विश्वास करना है। किस किस पे, नेटवर्क मार्केटिंग पे। अगर आपको ज्ञान नहीं है इसके बारे में तो पूरा ज्ञान लीजिए प्रोडक्ट के बारे में, इसको यूज करने के बाद भी आपको बहुत ज्यादा आपको ट्रस्ट होगा, बिलीफ स्ट्रांग होगा दोस्तों। FLP के बारे में आपको विश्वास करना पड़ेगा, और खुद के बारे में, खुद पे भी विश्वास करना पड़ेगा, आपको बिलीफ स्ट्रांग करना पड़ेगा, अपना जो विश्वास है उसको आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और बिकम द प्रोडक्ट, अगर आप प्रोडक्ट को यूज करेंगे तो दूसरे व्यक्ति भी आपको बोलेंगे कि आजकल आप क्या यूज कर रहे हैं, बिकम द प्रोडक्ट। उसके बाद आपको कमिटमेंट करना है दोस्तों। कमिटमेंट क्या करना है, आपको नंबर वन सबसे पहला कमिटमेंट करना है कि आप पर मंथ 4 बोटल्स को कंज्यूम करना है आपको अपनी फैमिली के अंदर, ये कमिटमेंट करना है। दूसरा कमिटमेंट करना है टाइमिंग का, स्पॉन्सरिंग का। अगले 1 साल तक अगर आपने इस चीज को फॉलो कर लिया, कमिटमेंट को फॉलो कर लिया, तो दुनिया का कोई व्यक्ति आपको सफल होने से रोक नहीं सकता दोस्तों। स्पॉन्सरिंग करना है आपके ग्रुप के प्रति, आपकी फैमिली के प्रति, लर्निंग एटीट्यूड रखना है दोस्तों। अगर आपने ये कर लिया 1 साल तक, मिनिमम 1 साल तक इस चीज को फॉलो कर लिया, तो 100% आपकी सफलता निश्चित है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात, यहां पे मेन बात यही आती है, मेन जो पड़ाव है वो ये है दोस्तों,
अब सारी कुछ रेडी है, आपने अंडरस्टैंडिंग कर ली, बिलीफ सिस्टम आपका स्ट्रांग हो गया, आप कमिटमेंट पे भी आ गए, लेकिन जब तक आपने एक्शन नहीं लिया ना, तब तक कुछ नहीं होएगा। एक्शन लेना पड़ेगा, मैसिव एक्शन प्लान, स्टेइंग फोकस्ड, आपको अपने काम के प्रति फोकस्ड होना पड़ेगा, रिटेलिंग में, स्पॉन्सरिंग में, टीचिंग, दूसरे लोगों को सिखाने में, दूसरों को लीडरशिप देने में, खुद की लीडरशिप निखारने में, इन चीजों में एक्शन लेना पड़ेगा दोस्त। क्योंकि अगर सारी चीजें, जैसे एक बहुत अच्छा खाना तैयार हो गया और जब तक खाएंगे नहीं तब तक कोई काम का नहीं है दोस्तों, तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा। और किसी भी व्यक्ति को अगर आपने ज्वाइन करा दिया तो उसको नेग्लेक्ट नहीं करना है दोस्तों, ये नहीं कि बस दोस्त से करवा दी अब उसके अब दूसरे को पकड़ते हैं, यहाँ पे आपको प्रॉपर गाइड करना है दोस्तों, उसकी मदद करनी है। मेक देम, और अगर यहाँ पे कोई व्यक्ति आपको क्यों ना बोल रहे, कोई व्यक्ति क्यों हाँ बोल रहे, इस चीज को आपको समझना है। और सबसे बड़ी चीज एनालिसिस करना है, कोई भी व्यक्ति से जब आप बात करते हैं प्रोडक्ट के बारे में, रिजल्ट के बारे में, प्लान के बारे में, उस व्यक्ति ने हाँ करी चाहे ना करी, जो भी आपका रिजल्ट है उसको एनालिसिस करना है, उसको समझना है कि उस व्यक्ति ने क्यों हाँ करी मेरे साथ, उस व्यक्ति ने क्यों इस बिजनेस के लिए ना करी, इन दोनों चीजों को एनालिसिस करना है दोस्तों। दोनों रिजल्ट आपके लिए अच्छे हैं, क्योंकि अगर उसने ना कर दी तो कभी ना कभी वो हाँ कर देगा, और अगर उसने हाँ कर दी तो बेटर दे। सीक्रेट इंग्रेडिएंट क्या है, इसके बारे में जानते, कितने लोग जानना चाहते हैं सीक्रेट इंग्रेडिएंट, सफलता के सीक्रेट इंग्रेडिएंट को कितने लोग जानना चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि जितने भी लोग हमारे साथ कनेक्टेड है सबके सब हैंड रेज करें। वाह क्या बात है, यानी कि आप जबरदस्त एक्साइटमेंट हैं, आपकी जबरदस्त एक्साइटमेंट है इस बात के लिए कि सीक्रेट क्या है, सीक्रेट इंग्रेडिएंट क्या है सफलता का। और दोस्तों इस सीक्रेट इंग्रेडिएंट को अगर आपने अपना लिया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। और वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है दोस्तों बर्निंग डिजायर, आपके अंदर एक आग होनी चाहिए कि मुझे ये सफलता 100% पानी पानी, मुझे इस लेवल को अचीव करने करना है। वो अगर आग आपके साथ होगी तो निश्चित रूप से आप बहुत बड़ी सफलता को पा सकते हैं दोस्तों। तो बर्निंग डिजायर मस्ट बी कंपल्सरी। और अगर आपके ड्रीम बड़े हैं ना तो आप बहुत बड़ा कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि आपका जो ड्रीम होना है वो ही आपको आगे लेके जा सकता है। यहां पे आपको कुछ और करना है, व्हाट टू डू नेक्स्ट, अब अगला क्या करना है, आपको डेवलप लर्निंग एटीट्यूड, अपने लर्निंग एटीट्यूड को डेवलपमेंट करना है, अंडरस्टैंड फुली व्हाट इज ऑफर, आपको क्या करना, फॉरएवर आपको क्या प्रोवाइड कर रही है, अटेंड द फॉलोइंग फ्री ट्रेनिंग्स एज एन ऑफ्टन एज यू कैन, यहां से आपको ट्रेनिंग्स को जो भी आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट की तरफ से फ्री की ट्रेनिंग्स है उनको फॉलो करना है, उनको ट्रेनिंग को अटेंड करना है, आपको बीओपीपी की ट्रेनिंग्स को, न्यू एफव्यू ट्रेनिंग्स को, वेरियस प्रोडक्ट ट्रेनिंग को, मार्केटिंग प्लान को, रिपीटली आपको उनकी ट्रेनिंग्स को अटेंड करना है। और सबसे जरूरी काम क्या करना है दोस्तों, आपको मिनिमम 100 लोगों की एक लिस्ट बनानी है, 100 लोगों के नाम लिख के एक लिस्ट बनानी जिनसे आप बिजनेस शेयर कर सकते हो, उनकी आपको लिस्ट तैयार करनी। और लिस्ट कैसे बनानी है थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता हूं, वो लिस्ट इस प्रकार से बना सकते हैं, पेरेंट्स की, रिलेशनशिप की, नेबर्स की, प्रोफेशनल्स की, जहां से प्रीवियस जॉब्स, ट्रेवलर्स, स्पाउस, यानी कि इस तरीके से भी आप अपनी लिस्ट को बेटर कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं दोस्तों। अब अगला क्या करना है, यहां पे आपको अपनी अप्लाइन के, यू कांट रीच योर अप्लाइन फॉर एनी रीजंस, अगर आपका अप्लाइन आपके साथ में कनेक्टेड नहीं है तो आपको एक काम और करना है, आपको क्या करना है दोस्तों, या तो दो चीजें, या तो आपका अप्लाइन आपके पास है तो आप उनसे बैठ के अगले 6 महीने का प्लान डिसाइड करिए, और अगर आपके पास नहीं है तो दोस्तों आपके पास एक ऐसी अप्लाइन है, एक ऐसी बुक्स है जिसके माध्यम से आप अपने अप्लाइन खुद बन सकते हैं, वो है योर्स अप्लाइन, हिंदी में बुक्स आती है ये, आपको हैबिट्स को, गुड हैबिट एंड गुड कल्चर को प्रोड्यूस करना है। यहाँ पे आप अपने बिजनेस के बारे में, क्योंकि ये बिजनेस आपका है दोस्तों, यहाँ पे जो भी आपको ऑब्जेक्टिव्स आते हैं उसके ऊपर आपको अपने टारगेट्स के ऊपर, अपनी कंपनी के ऊपर पूरा बिलीफ सिस्टम रखना है।
यहां पे आप दूसरों को अपनी तरह, पहले आप खुद एक अच्छी कॉपी बनेंगे तो आप अपनी टीम को अपनी तरह किसी अच्छी कॉपी बना सकते हैं। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति, अगर किसी डॉक्यूमेंट की आप कॉपी कर रहे हैं और उसमें अगर कुछ मिसप्रिंटिंग है तो उसकी कॉपी भी वैसी निकलेगी। तो आपको एक अच्छे लीडर की तरह बनके आपको निकलना है। डू नॉट सेल, सबसे जरूरी चीज इस बात का ध्यान रखना है आपको, डू नॉट सेल योर FLP प्रोडक्ट। कहां कहां आपको क्या नहीं करना है इसके बारे में बात करते हैं अपने। इन एनी हाई स्ट्रीट शॉप, कोई भी ऐसी हाई स्ट्रीट शॉप पे आपको प्रोडक्ट बेचना नहीं है, किसी भी ऑनलाइन साइट्स के माध्यम से आपको प्रोडक्ट नहीं बेचने, और किसी भी अपनी डाउनलाइन और क्रॉस लाइन के अंदर अपने प्रोडक्ट्स को नहीं बेचने। और आपको ये जितने भी नियम से बताए गए हैं फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट को एग्जैक्टली, क्योंकि फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट बिजनेस आपका है दोस्तों, ये जो पेज है यहां से आपकी कोई वो ज्यादा नीड नहीं है क्योंकि वो अब सारा कुछ ऑनलाइन बन चुका है। यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज है, अगर आप एक्शन में आ चुके, अगर आप बिजनेस करना शुरू कर चुके तो आपका एक सीसी 5 तारीख तक कंप्लीट होना चाहिए। सेल्फली जो 1+3 की जो एक्टिवेशन होती है उसका एक सीसी 5 तारीख तक कंप्लीट कर लेना चाहिए। यहाँ पे आपको कोई ज्यादा जरूरत नहीं है क्योंकि आजकल पेमेंट्स का कोई ऐसा चक्कर नहीं है, क्योंकि आप सीधे ऐप के माध्यम से जाके एलो स्टोर पे अपना ऑर्डर लगा सकते हैं। यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई इन्वेस्टमेंट ना तो करना है, ना किसी को आपको बोलना है। अगर ऐसा कोई करता दिखे तो आप इससे अवेयर हो सकते हैं, आप कंपनी को अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपको इन्वेस्टमेंट के लिए बोले, इन्वेस्टमेंट के लिए ऑफर करे, ये ना तो आपको करना है ना आपकी टीम को, इससे अवेयर रहना आपको। क्योंकि अगर आपको ऐसा कोई करता भी दिखे तो आप इमीडिएटली कंपनी को इन्फॉर्म कर सकते हैं, नोटिफाई कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दिस इज योर बिजनेस, क्योंकि ये आपका बिजनेस है दोस्तों। ये सारी बातें आप इसलिए ध्यान रखें क्योंकि ये बिजनेस आपका है। और यहाँ पे अगर आप मैनेजर बनना चाहते हैं, अटेंड शोर टू मैनेजर ट्रेनिंग्स विद योर प्रोस्पेक्ट्स, एक्शन प्लान यू हैव टू डिसाइड। एक्शन प्लान क्या क्या करना है दोस्तों, आप अगर इन चीजों को फॉलो करते हैं तो बहुत जल्दी आप बेटर कर सकते हैं दोस्तों। एक्शन प्लान में क्या क्या करना है, आपके पास कुछ छोटा मोटा स्टॉक होना जरूरी है दोस्तों। स्टॉक आपका टूल्स बनता है दोस्तों, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति के पास कोई सामान नहीं है तो वो कोई प्रोडक्ट नहीं देगा, क्योंकि एम्प्टी शॉप एम्प्टी बिजनेस। यहाँ पे कुछ छोटा मोटा आपके पास मिनिमम स्टॉक होना चाहिए, जस्ट लाइक कुछ पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स, कुछ आपके यूज करने के लिए, कुछ आपके सेलिंग करने के लिए, कुछ सैंपल करने के लिए, कुछ आपके पास स्टॉक रहना चाहिए। आपके पास एक टूल्स, यानी कि दुनिया का हर बिजनेस, हर काम एक टूल के माध्यम से होता है। अगर कोई व्यक्ति, अगर आप कार चला रहे हैं और आपकी कार पंचर हो गई तो टूल के माध्यम से ही उसको खोलना पड़ेगा। अब आप सोचिए कि आपके पास, आप 20 लोग हैं और अपने गाड़ी के टायर को खोलना आपके पास टूल्स नहीं है खोलने के लिए, तो चाहे 20 नहीं 100 लोग भी होंगे तो भी टायर खुलेगा नहीं। इसीलिए दोस्तों फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के बिजनेस को करने के लिए भी आपके पास एक टूल की जरूरत है। वो टूल्स क्या क्या हैं? आपको बड़े सिंपल टूल्स को फॉलो करने हैं। आपके पास एक कंपनी पॉलिसी होनी चाहिए, FBO एप्लीकेशन फॉर्म की जरूरत नहीं आपको। आपके पास एक योर अपलाइन बुकलेट होनी चाहिए, फर्स्ट स्टेप टू मैनेजर की बुक्स होनी चाहिए, सक्सेस लिंक बुकलेट होनी चाहिए, विजिटिंग कार्ड होने चाहिए, ब्रोशर्स होने चाहिए, प्राइस लिस्ट आपको जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको एक अच्छी सी प्रेजेंटेशन फाइल रखनी चाहिए, या आप अपने लैपटॉप के माध्यम से भी अपनी प्रेजेंटेशन फाइल बना सकते हैं। आपके पास एक राइटिंग पैड होना चाहिए, हमेशा आपके पास होना चाहिए। मोबाइल फोन, ईमेल एड्रेस, एक अच्छा सा ब्रीफकेस होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों कोई स्कीम नहीं है, यहाँ पर्टिकुलर एक बिजनेस है, जो जिस बिजनेस के अंदर आप पूरी फैमिली की लाइफ चेंज करना चाहते हैं, तो यहां से कुछ कमिटमेंट आपको करने पड़ेंगे अपने आप से। हमेशा
स्माइलिंग रहना है दोस्तों, हमेशा स्माइलिंग पे रहना है। इस चीज को जरूर करना है आपको। आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर कब बनना है इसकी डेट डालिए, सुपरवाइजर कब बनना है इसकी डेट डालिए, असिस्टेंट मैनेजर कब बनना है इसकी भी डेट डालिए, और मैनेजर कब बनना है इसकी भी डेट डालिए। क्योंकि दोस्तों अगर आप प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, जब टिकट कटवाते हैं, तो सबसे पहले वो क्या क्वेश्चन करता है कि कहां की टिकट दो। अगर आपने बोला कि कहीं की भी दे दो, तो वो कहीं की भी नहीं देंगे। और ले भी ली टिकट, तो आपको पता ही नहीं है कि जाना कहां है, तो आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। इसलिए दोस्तों आपको डिसाइड करना है फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट के प्लेटफॉर्म पे आके आपको जाना कहाँ है और कितने समय के बाद जाना है, वो डिसाइड आपका होना चाहिए दोस्तों। आप कितने मंथली कितने पैसे कमाना चाहते हैं, कौन सा लेवल आपके कब होने वाले, इसकी भी आपको कमिटमेंट करना है दोस्तों। उसके बाद आपको वीकली प्लानिंग करनी है, इस वीक के अंदर मेरी इतनी क्लोजिंग होगी, इस वीक के अंदर मेरी, और उसके बाद डे वाइज भी आपको क्लोजिंग करनी है। कुछ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है आपकी एज एन फॉरएवर बिजनेस ओनर्स, यू हैव टू प्रोटेक्ट योर बिजनेस, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप अपने बिजनेस, इस बिजनेस को प्रोटेक्ट करें, FLP को प्रोटेक्ट करें, क्योंकि आप बिजनेस ओनर है दोस्तों, आप रैक्समन के बराबर है, क्योंकि रैक्समन सर भी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के बिजनेस ओनर है और आप भी बिजनेस ओनर है। सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है, कंपनी पॉलिसी को, डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस को, सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अपने प्रोस्पेक्ट को आप जरूर हमारी वेबसाइट को विजिट करवाइए और वहां पे नो योर राइट्स मिलिट्री ओरिएंटेशन ये जरूर आप पढ़ाइए। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में आपको कोई भी ज्वाइनिंग फीस किसी भी प्रकार की वो कुछ करने की जरूरत नहीं। आपको जैसे भी जब भी किसी प्रोस्पेक्ट से आप जब बात करते हैं, तो आपको यही चीज को प्रमोट करना है, ये नहीं कि आपको ये इन्वेस्टमेंट करना है। और अगर दोस्तों आपने एक पर्टिकुलर आपके पास एक गोल है, एक ड्रीम है, उस ड्रीम के माध्यम से भी आप अपने बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। क्योंकि अगर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में आप आ गए और आपकी वाई क्लियर नहीं है, क्यों कर रहे हो आप ये क्लियर नहीं है, तो आप कहीं पे भी नहीं पहुंच पाएंगे दोस्तों। तो आपके पास एक गोल होना चाहिए। रैक्समन सर के बारे में सोचिए, जब इन्होंने इस फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट की शुरुआत करी थी, आज का सोचिए, दोनों में बड़ा अंतर है दोस्तों। जब फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट की डे वन से शुरुआत हुई थी, तब से और आज में कितना फर्क है। रैक्समन सर ने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट की शुरुआत करी थी तो दुनिया में कहीं फॉरएवर नहीं थी, आप जब शुरुआत कर रहे हो तो दुनिया के हर कोने के अंदर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट है। उसमें और आज के समय में बड़ा अंतर है। इन्होंने भी वैसे ही प्रमोट किया था जैसे आप कर रहे हैं। और किसी भी हाल के अंदर आपको गिव अप नहीं करना, इस बात को कभी मत भूलना, डोंट एवर गिव अप। यहां पे एक बहुत बड़ा बहुत शानदार एक चित्र दिखाया गया है, इसके अंदर आप थोड़ा सा एनालिसिस करिए, थोड़ा सा सोचिए कि इसमें गिव अप कौन करेगा। एक खाने के लिए लड़ रहा है, एक जीने के लिए लड़ रहा है, इनमें जीतेगा कौन? जो जीने के लिए लड़ रहा है, क्योंकि वो क्विट नहीं करेगा। इसीलिए कहते हैं कि आपका वाई स्ट्रांग होना चाहिए, रीजन स्ट्रांग होना चाहिए आपका, कारण स्ट्रांग होना चाहिए आपका, कि रीजन क्या आपको फॉरएवर को करने का। और मैंने बड़ी सिंपल तरीके से आपको बताने की कोशिश करी थी, जटिलता से बताने की कोशिश नहीं करी, इसलिए आपको जितने भी स्टेप्स बताए उनको फॉलो करना है आपको दोस्तों। आर यू एक्साइटेड? अगर आप एक्साइटेड हैं तो आप हैंड रेज करिए स्पीडली। क्या बात है, जबरदस्त एक्साइटमेंट बनी हुई है दोस्तों। और इस पिक्चर से बहुत बड़ा मैसेज जाता है दोस्तों, डोंट एवर